प्यार मोहब्बत में अक्सर देखते होंगे कि लड़के एवं लड़कियां छुप छुप कर जो है मिला करते हैं। ऐसा ही मामला नवादा जिला के बारसलीगंज में हुआ है। स्टेशन परिसर में दो प्रेमी जोड़ा जो है मिलने के लिए आते हैं। यहाँ जो है स्थानीय लोग देख लेते हैं, फिर पकड़कर जो है दोनों की मंदिर में जो है शादी करवा देते हैं। पूरा मामला क्या है, इन दोनों जो है प्रेमी जोड़े से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये दोनों कहाँ के रहने वाले हैं, बारसलीगंज स्टेशन पर क्या करने के लिए आए थे और पूरा वाक्या जो इन दोनों के साथ हुआ है, कैसे कैसे क्या हुआ है। सबसे पहले जो है हम लड़की से जानने का प्रयास करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? शबनम। थोड़ा सा ऊँची आप बोलिएगा। शबनम कुमारी। शबनम कुमारी, शादी से खुश हैं? हाँ। कस के बोलिए ना। हाँ खुश है ना। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रांची। रांची, रांची कहाँ? रांची खेलगांव। अच्छा, रांची से यहाँ जो है नवादा बिहार जो है आए, क्या क्या लड़का कह करके लाया था आपको? शादी करेंगे। अच्छा, शादी करने के लिए लाए थे है ना? शादी से आप लोग खुश है ना? हाँ। अच्छा, ये लड़का से भी आपसे खुश है ना? लड़का खुश है ना? लड़की बता रही कि लड़का भी खुश है। पहले लड़का से हम जान लेते हैं कि आखिर लड़का का क्या प्रतिक्रिया आता है। क्या भैया, क्या नाम हुआ आपका? उज्जवल। कहाँ घर? रांची। रांची के रहने वाले दोनों जो है एक ही स्टेट के हैं, एक ही जगह के रहने वाले हैं ना? अच्छा, यहाँ जो है आप लोग ये शादी करने के लिए आए थे? जी नहीं, तो घूमने आए थे। अच्छा, ये जब दोनों जब ये घूमने के लिए आए थे, फिर शादी कैसे हो गया? जबरदस्ती पकड़ करवा दिया। ऐसे थोड़ी होता है कि कोई जबरदस्ती पकड़ के शादी करवा देगा। लड़की तो बता रही है कि हम जो है ये, अच्छा इतना बढ़िया दुल्हन पाए, मुँह कहाँ लटकाए हुए हैं? बढ़िया दुल्हन हो गया, ठीक है, हो गया ना? दुल्हन से खुश है ना? जी। कब से दोनों का रिलेशन चल रहा था? तुम्ही लोग के लिए होगा। 16 में कुछ दिन बात हुआ था, उसके बाद बंद हो गया था। 16 में कुछ दिन बात हुआ था, फिर बंद हो गया था, फिर कैसे स्टार्ट हुआ? फिर कुछ ब्लैकमेल से हुआ था। क्या ब्लैकमेल? एक फोटो डाल रही थी बार बार इंस्टाग्राम में, तो उसको बंद करने के लिए। अरे तुम खुश है? अब जो है यहाँ क्या करके लाए थे? क्या कह करके, क्या कह करके रांची से नवादा जिनको लाए थे, क्या कह करके लाए थे? ये लाई थी हमें, हम तो यहाँ कभी आए भी नहीं थे, ये लाई थी हमें। ये लड़की लाई थी? जी। इतना मोटा ताजा लड़का को लड़की कैसे उठा के ले लाएगी? फोटो नहीं डालेंगे, एक बार चलिएगा तो बोल के लाई थी। हमेशा ये बात करते हैं, नंबर मेरा ब्लॉक कर देते हैं ताकि किसी को पता ना चले। यहाँ स्टेशन पर आप लोग क्या कर रहे? ये दोनों साथ में थे। हम दोनों साथ में थे, हमको छोड़ के भाग रहे थे। छोड़ के भाग रहे थे? अच्छा, यहाँ ला करके आपको छोड़ के भाग रहे ना? हाँ। आप जो है हो हल्ला किए। हाँ। तब जो है स्थानीय लोग यहाँ देखते हैं। हाँ। फिर क्या होता है? फिर शादी होता है। शादी होता है। अच्छा, लड़का जो है मैंने अभी लग रहा है रूठा रूठा लग रहा है, इसको कैसे मनाएंगे आप? क्या लगता है, अपनी अदाकारी अपनी सुंदरता पर इनको मुहेंगे फिर से आप? सकलिया उठाइए, हल्का सकल उठाइए ना। शादी कर लिए हैं, फिर दूल्हा से खुश है ना जी? दूल्हा से खुश है ना जी? हाँ, पसंद है ना जी? काहे मुंह लटकाए हुए हैं? सब देखने के लिए आपको है ना, मुंह नीचे कर रखे हैं। ये कौन सा जगह है पता है? ये कौन सा जगह है पता है? कितने बजे घर से निकले? घर से कब निकले? 7 बजे। कल शाम 7 बजे ट्रिप बाय ट्रेन आए हैं? बस। नहीं नहीं, रुकिए, बदनामी क्यों? कितना दिन से दोनों में ये प्यार मोहब्बत चल रहा था? 2016 से। अच्छा, कैसे शुरू हुआ था? कोई रिलेशन में है या फिर ऐसी कोई बॉयफ्रेंड? दीदी का देवर है। अच्छा, दीदी का देवर है, तो समझ सकते हैं कि दीदी के देवर को जो है ये लड़की जो है दिल दे बैठती है। और लगभग 2016 से दोनों जो है रिलेशनशिप में रहते हैं। पहले भी जो शारीरिक संबंध होता है वो तो दोनों में हुआ होगा है ना? उसके बाद फिर आपको ये काहे नकार रहे थे? पता नहीं। पता नहीं काहे भैया, लड़की को कोई सामान समझ लिए कि जब मन यूज करना है फिर के लिए जी? किसी और से करना चाह रहे हैं। अच्छा, मने मजा मारे किसी और से, शादी करे किसी और से, यही सब होगा। कान में दे देंगे तो पड़ता ऊपर का। क्या अब तो दोनों सही सलामत रहिएगा ना? जी जी, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। शादी से आप किसी प्रकार का ये दबाव से तो नहीं? नहीं नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। ऑन कैमरा देखिए, ऑन कैमरा यहाँ तमाम लोग देख रहे हैं है ना, देख सकते हैं। वो क्या क्या बोल रहे थे? हम रेलवे से कूद जाएंगे। हाँ भैया, ऐसा अब पूरा भीड़ मार रहा है भैया, थप्पड़ तो हम क्या करें? मारे हैं या नहीं मारे, यहाँ तो रिकॉर्डिंग भी होगा सबके पास। शादी से खुश है ना? दुल्हन से तो खुश रहना चाहिए, क्योंकि आपका जो पहले का प्रेमिका है, कोई दिक्कत जी जी ना? चलिए, तो बारसलीगंज में है और दुल्हा एवं दुल्हन जो है एक दूसरे को जो है माला पहनाकर जो है स्टेशन परिसर में जो है शादी किए हैं। और कैसे कैसे ये दोनों पकड़ाए हैं, यहाँ जो स्थानीय लोग हैं इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पकड़ने वाले जो भैया हैं यहाँ जो है मौजूद हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ था और कैसे कैसे क्या आप देखे जो बताइए। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम विकास कुमार है, घर बलवा पे। मैं बोलना चाहता हूँ कि ये दोनों स्टेशन पे बैठी थी, लड़की कान रही थी। हाँ, ये लड़का भाग रहा था
अब मेरा संगत पर के वो दोस्त थे, वही बोला, हम बोले पकड़े, वो पकड़ लिया था। फिर इधर आए तो पता चला लड़की और लड़का का मैटर है। अरे लड़की रो रही थी, भागने जा रहा था, हम देखे इसको लाइव, ये भागल जा रहा था स्टेशन से नीचे। हाँ अभी टिकट या ऐसी नहीं जी, टिकट हम बना लेंगे अभी तुरंत। ये लड़की के साथ खेला कर रहा है, अभी खेला होने नहीं देंगे हम, इसको जेल करवा देंगे गलत करेगा तो। शादी के लिए दोनों खुश है ना? सीसीटीवी में आप देखिए हम यहाँ कैब जाए हैं और टिकट कैब जाए का, अगर भागना लड़का भाग रहा था, भाग सकते लड़का भाग रहा था, लड़का भाग रहा था। हम गलत बोलेंगे, अब शादी हो गया है, ऑन कैमरा सारा रिकॉर्ड आपका है, थोड़ा सा फेसबुक फिर से दिखा दीजिए, देखिए इस व्यक्ति को। यही वो व्यक्ति है जो बार्सिलिंग स्टेशन पर इस दुल्हनिया को लेकर आते हैं और यहाँ मंदिर परिसर में, विष्णु मंदिर है स्टेशन के बगल में, यही जो है दोनों जो है एक दूसरे को जो है माला पहनाए हैं और यही जो है दोनों की शादी हुई। अब दोनों जो है पति पत्नी के बंधन में जो है बंध गए हैं। अब आगे जो भी कुछ होता है इनका जिम्मेदार जो है ये लेते हैं, क्योंकि एक पत्नी का जो देख रेख होता है आजीवन का रिश्ता होता है। अब आपको ताउम्र जो है इनको देखना है जी, कोई दिक्कत तो नहीं ना, क्योंकि आप खुद जो है ये दिक्कत में जाएंगे और इनको भी परेशानी में डालेंगे। चलिए एक बार जो है फिर से दोनों जो है अपने कंधे पर हाथ रखिए, इनका कंधा पर हाथ रखिए, कंधे पर हाथ रखिए और बोलिए, बोलिए कि मैं आपसे खुश हूँ, मैं आपसे खुश हूँ। आप भी बोलिए कि मैं भी आपसे खुश हूँ, मैं भी आपसे खुश हूँ। चलिए बहुत अच्छा है ना, फिर भी बकचोदर ही है ना, तब इतना सुंदर दुल्हनिया मिले हैं, इतना जो है ना, फिर भी जो है भाग ठीक है ना, बोल रहे मुंह पर इसका भाग ठीक है, इतना बकचोदर नहीं है, लगता है बढ़िया बीवी मिल गई। गलत बोल रहे हैं सर। चलिए ठीक है, अब आप लोग बढ़िए, ठीक है। तो अभी जो है नवादा से दृश्य को हम दिखा रहे थे और आप लोग इस नए जोड़े के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया बस देंगे। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।